Hi everyone, assalamualaikum. I'm back to another beautiful day and another beautiful vlog. So welcome to another beautiful day, welcome to another beautiful vlog and welcome to my YouTube channel. तो वीडियो देखने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो से आप जो है वो अपडेट रह सकें. ठीक है, चलो जी आज को व्लॉग स्टार्ट करते हैं. यार तुम लोगों को पता है आज मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया और इस 8:22. ठीक है, और बिल्कुल भी यू कैंट इमेजिन मेरा दिल नहीं तो करा और इवन दो कि मैं घर भी नहीं थी. तो मैंने कहा कि यार अब मुझे याद है मैं कि यार आज तो ब्लॉग ही ना मैंने बनाया, फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं. ठीक है, तो यस इसलिए मैंने कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं ब्लॉग. वैसे मैं पहले बनाना स्टार्ट कर देती लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी माइंड स्किप हो गया हुआ था. ठीक है, लेकिन फिर अब मेरे माइंड में आ गया तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं ब्लॉग. ठीक है, तो अभी मैंने क्या करने वाली हूँ फिलहाल, तो अभी तो मैं वैसे बैठी हुई हूँ. ठीक है, और अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं आज करने के वाली हूँ. हाँ, उससे पहले तुम लोगों की एक बात बताती चलूँ यार कि ना अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो. और यार मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना अब फेस्टिवल के ब्लॉग्स जो है ना वो अपलोड कर लूँ लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही यार. मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, मतलब टाइम की नहीं है. बंदा निकाल हज़ार सी बात, एक चीज़ इंसान एडिटिंग नहीं हो तो हो जाता है. एक्चुअली यार मुझे ना बहुत मुश्किल काम और बड़ा काम लग रहा है क्योंकि वो मुझे पता है उनके पीछे बहुत ज़्यादा साउंड्स हैं, बहुत शोर है. तो मुझे इस तरह से है कि मेरी आवाज़ पता नहीं क्लियर ना हुई तो आई हैव टू वॉइस ओवर माई ऑल वीडियोज़, तो इस वजह से ना वो भी पड़े हुए हैं. तो चले इंशाल्लाह विल ट्राई माई बेस्ट कि यार एक दो दिन तक जो है ना वो ब्लॉग जो है वो एडिट करूँगा और आप लोगों के लिए दिखाऊँ. ठीक है, लेकिन इतना शोर भी नहीं है, कहीं कहीं जगह पर शोर है बट जहाँ पर ज़्यादा शोर वाली जगह है ना सिर्फ वहाँ पर शोर है लेकिन इतना शोर नहीं है. ठीक है, और पीछे से वॉइस को आप लोगों ने करना है इग्नोर क्योंकि पीछे जो है ना बाहर से आवाज़ें आ रही हैं. ठीक है, यस तो भाई ओके तो आज तुम लोगों को बेसिकली मैं ये बताने वाली हूँ, बल्कि जो कुछ और दिखाना है वो बाद में करते हैं. पहले एक चीज़ तुम लोगों को दिखा दूँ कि जो मेन क्वेश्चन है. ठीक है, वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में वो बताया हुआ है लेकिन चलो फिर मैं अगेन बता देती हूँ कि अगर आप लोग करतारपुर जा रहे हो विद फैमिली तो आप लोग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना मस्ट है. ठीक है, देखिए इतनी बड़ी जाहिर सी बात है हम लोगों में यूजुअली ये होता है कि हम लोगों के जो मतलब बड़े होते हैं ना सिर्फ वो अपना रख लेते हैं और बाकी उनका कुछ नहीं होता. ठीक है, लेकिन करतारपुर आप जब जाएँ इस टूर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वी हैव टू रिक्वायर आवर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, बल्कि ऑल फैमिली मेम्बर्स के, इफ़ यू हैव टू मंथ ऑफ बेबी ठीक है उसका भी अब इवन दो आपको चाहिए वो जो बेफाम होता है वो. ठीक है, तो इसलिए आप सबके जो है ना वो अपने जो बेफाम होते हैं वो लेकर जाया करें. ठीक है, तो यस ये बस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता. ये मस्ट होता है और ये मस्ट होता है तो सबका होता है. ठीक है, मतलब ये सबका होता है, छोटे बच्चे का भी ठीक है सबका जितने फैमिली मेम्बर्स हैं. तो भाई बस यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ ताकि दोस्त वो वाना गो करतारपुर टूर एंड मे बी दे डोंट नो के वही वो भी वो वाली गलती ना करें जो कि हमसे हो गई थी. ठीक है ओके, तो ये बेसिकली मैंने तुम लोगों को वन चीज़ बतानी थी. तो बाकी ये था कि इट्स वॉज वेरी अमेजिंग टूर, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, हम लोगों को इन्जॉय किया और हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी मैंने तुम लोगों को साथ साथ दिखाई. और हाँ मेरे पास काफ़ी पिक्चर्स भी थी क्योंकि काफ़ी जगहों पर ना वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था बट वी हैव टू कैप्चर पिक्चर्स. ठीक है, और उन जगहों की आई हैव पिक्चर्स, तो मैं ये ट्राई कर रही थी कि यार उन पिक्चर्स को कम्बाइन करके ना तो उसको साथ साथ बता दूं कि भाई ये वाली जगह कौन सी है, ये वाली जगह कौन सी है, क्योंकि यार बहुत अमेजिंग जगह थी और काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें थी. तो आई हैव टू कैप्चर पिक्चर्स बट मेरे पास पिक्चर्स ही हैं वीडियो. ओके, तो वीडियो स्टॉप हो गई थी क्योंकि मैंने टाइमर लगाया हुआ था एज डू नोट एड क्योंकि यार मैं ना मोबाइल सेट करके बना लूँ मेरे आर्म जो है ना वो थक जाते हैं ऐसे करके तो इस वजह से. तो अच्छा यार इस वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी तो आई अगेन ऑन माई वीडियो. तो अच्छा यार मैं ये कह रही थी और बाकी जो है मैं ट्राई करूँगी कि बाकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं उनको भी कंबाइन करके साथ चलो आपको एज अ शॉर्ट वीडियो ऊपर लगा दूँगी ताकि आप लोग देखो कि क्या क्या जगह थी और इट वॉज वेरी अमेजिंग टूर सीरियसली. और हाँ अच्छा यार हम लोग सबसे पहले हुआ इस तरह से कि हम लोग जब गए ना तो बेसिकली जब हम लोग जाते हैं ना तो उनकी इनॉग्रेशन स्टार्ट हो जाती है काफ़ी पहले से. ठीक है, पर तौर पर वो आगे है मतलब हम जहाँ पर जाते हैं अंदर वो इनॉग्रेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर.
ठीक है, अब इनाग्रेशन से पहले उनके काफ़ी, यार ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, डोंगो किसके घर से आ रही हैं डोंगो। खैर होता है इस तरह से कि हम लोग ना उधर सारी होती है तो हमारी इनाग्रेशन करते हैं, हमारी चेकिंग करते हैं गाड़ी की, ठीक है, ये सारी कुछ जो कि हमारी अपनी ही सेफ्टी के लिए बेसिकली होता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, और ये सब कुछ करते हैं। और फिर एक उनकी ऐसी जगह आती है जहाँ पर हम लोग जो हमारी अपनी गाड़ी होती है ना वो हम लोगों ने वो करके पार्क करनी होती है, और उससे आगे हम लोगों ने एक जगह स्टे उनके वो गुजरने का होता है चेकिंग का। वहाँ से हम लोग जब गुजरते हैं ना तो फिर हम लोग मतलब आगे जाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग वो गुजरते हैं, चेकिंग वगैरह होती है, फिर हम आगे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जहाँ स्टे करते हैं और उससे आगे जो है ना उन्हीं की अपनी गाड़ी होती है, यहाँ तो एक बस होती है या फिर वो वाली, अब मुझे उसका नेम नहीं आता बेसिकली, तो वो होती हैं वो वाली गाड़ी, तो उसके अंदर बैठ के आप लोग उसके अंदर बेसिकली वो ट्रैवल करना होता है करतारपुर तक, ठीक है, फिर वहाँ से करतारपुर तक करके फिर उससे आगे प्रोसेस होता है, उससे आगे भी इनाग्रेशन होनी होती है, यानी कि और उसके बाद जो है ना यानी कि एक का चेकिंग का गेट है और वो सारी इनाग्रेशन होकर, और फिर लाइक इस तरह से कि ये हम पाकिस्तान मतलब ये हम है ना ये रूम है उनका बना हुआ जहाँ पर हमारी वो वाली फाइनल इनाग्रेशन का वो प्रोसेस होना है, और देन उधर उस साइड पर करतारपुर जबकि बाहर से सारा नज़र आ रहा होता है। ओके, लेकिन उन्होंने आगे वो लगाई होती है, ठीक है, अपनी वो अब सिक्योरिटी वाइज, ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। और यस, और बाकी सब कुछ फिर ये मैंने चीज़ें तुम लोगों को बतानी थी, नाको इफ़ यू वाना गो तो आप लोगों को ये चीज़ें बताओ। और यार बहुत मज़े का टूर था, है छोड़ो, अच्छा यार आज मैंने तुम लोगों को बताया है कि मैं घर भी नहीं थी और मैंने वो लॉस किया, शादी में किया, और यार ये मुझे ना बॉक्स मिला और इसके अंदर मैं ना अभी भी डाल कर लेकर, मैंने नेल पॉलिशेज डाल कर लेकर आई हूँ, और वैसे मैंने कहा चलो तुम लोगों को दिखाते हैं कि यार कौन कौन सी मेरे पास नेल पॉलिश है, मोए मोए नहीं हुई, कौन कौन से टाइप है वो। माय गॉड यार अभी मुझे एक चीज़ याद आई है, मैंने तुम लोगों को अपनी लिपस्टिक कलेक्शन दिखानी थी, मैं भी तुम लोगों को भी याद हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी। हाँ चलो चलो, अब मैं तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी लिपस्टिक कलेक्शन। चलो नेक्स्ट व्लॉग अगर मैं ना हुआ मैं ट्राई करूँगी वो बना लूँ, क्योंकि ये वैसे मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ कि यार मैं जो मेरे फेस्टिवल के व्लॉग्स हैं ना यार मैं वो भी एडिट कर लूँ, और एडिट करने के बाद आई विल अपलोड एंड आप लोगों को दिखाना भी यार इतना मज़ा आया, क्या क्या हुआ एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट चलो देखते हैं। और पता नहीं क्या आवाज़ें आ रही हैं, जैसे किसी के लगता है बर्थडे है, और चलो खैर हम लोग जो है नेल पेंट्स है हमारे पास, ठीक है, तो कुछ हमारे पास नेल पेंट्स है बेसिकली, कौन कौन सा कलर है दिस वन, तो भाई मेरे पास इस टाइम है ब्लैक कलर है, रेड कलर है, सिल्वर कलर है, गोल्डन कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है, मेरून कलर मतलब सिल्वर कलर है, ग्रीन कलर है, रेड, यस, तो दीज आर द कलर्स डेट आई हैव, और कुछ एक दो अंदर भी पड़ी होगी यार, इस तरह मेरे पर पड़ी थी, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। और ये बॉक्स साथ में इसके अंदर सारी गिर आएंगी, मैंने कहा चलो बाकी जो बची बच गई जो मोए मोए हुआ वो मोए मोए हो गया, ठीक है, तो मैं ये पकड़ के ना ले आई हूँ। और हाँ ये इस तरह से मैं ले आई हूँ, और मेरे पास कल का वैसे वैसे यहाँ पर है, कल भी मैंने यहाँ पर व्लॉग बनाया था ना, यानी कि मैंने जो पीछे वाला व्लॉग बनाया ये भी मैं वैसे भी बना रही हूँ लगाऊंगी, ठीक है, तो यार ये देखो ये यार इसका मुझे इतना मज़ा आता है ना, बिलीव मी यार ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं पढ़ा होगा ना इसको मैं, अच्छा मैं ये कहती मैं इसे स्टैंड के लिए इतना यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं ना इसको ऐसे ऐसे करने के लिए इतना यूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये देखो माय गॉड यार इतना मज़ा आता है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ, तो इसका हर्ट बनाते हैं यार, इसका हर्ट बनाए हर्ट थैंक्सा हर्ट बन गए थैरो हर्ट बना रही हूँ मैं इसका, लेट्स सी कि भाई कैसे हर्ट बनता है इसका, ये इसका हर्ट चेक मोए मोए हो गया, मतलब हर्ट इसका बिल्कुल अच्छा नहीं बना, और इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं यार, बहुत मज़े की चीज़ है, इसको ये लो जी हम सीधा कर लेते हैं, रख देते हैं हर्ट, माय गॉड टेबल टूटने वाला है यार, ये यार टूट जाना है और इधर मुई मुई जाना है, प्रोग्राम जाना बढ़ जाना है यार, छोड़ो यार, अच्छा मेरा व्लॉग मैं आज यहाँ का एंड करती हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि कल का जो व्लॉग है ना पक्का मैं बहुत मज़े का कंटेंट आने वाला है, यू हैव टू कनेक्ट विद मी, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कनेक्ट विद मी, ओके, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ आने वाली हर न्यू वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, और यस मज़े का कंटेंट आने वाला है आज, तो यार मैं सुनाती हूँ, ओके बाय बाय टाटा।